नमस्कार दोस्तों दोस्तों पिछले आठ साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडिया जिक्के से तरह तरह के एग्जाम्स में तो वो सभी के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ के माध्यम से एक क्लास हमने पहले की थी तो उस पर भी आपने काफ़ी प्यार दिया काफ़ी वॉच की है उस क्लास को भी आपने तो जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं एक्चुअली में होता क्या है कि आपके जो आगामी एग्जाम्स है आने वाले एग्जाम है जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेशन मोड के अंदर मिलेंगे इनके रिपीट हुए मिलेंगे तो आपको करना ये है कि जितने क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनको मेरे साथ में यहाँ पर बैठ के रीड करना है पढ़ना है और अपने प्रैक्टिस को मजबूत करना है तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सजा या सजा के मामले में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार देता है तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल नंबर सेवेंटी टू में या बेहतर में है याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है साथ में आपको याद ये करना है कि एक तो व्यक्ति हुआ भारत का राष्ट्रपति एक आपको याद करना है राज्य का राज्यपाल किसी भी राज्य के राज्यपाल को भी शक्ति होती है कि वो भी किसी के व्यक्ति के सज़ा को माफ़ कर सकता है ये इनके पास जो पावर मिलती है वो आर्टिकल नंबर वन सिक्स वन के तहत मिलती है तो आपको दो बातें यहाँ से याद करनी है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ आर्टिकल नंबर सेवेंटी टू में जबकि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ आर्टिकल नंबर वन सिक्स वन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके अलावा अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है आर्टिकल नंबर वन फोर्टी एट रहेगा यानी कि सी ए पद की बात यहाँ पर की जा रही है अच्छा सी ए जी इनकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछता है फॉर्म होती है कंप एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोलर नहीं होती है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल

इनमें से जो भी पहले पूरी हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनकी जितने भी वित्तीय नीतियां होती है पैसे के मामले में जो पॉलिसी होती है उस पर निगरानी करना इनका काम होता है साथ में सरकार खर्चा कहाँ पर कर रही है तो इसकी निगरानी भी सी एजी कैग नामक संस्था करती है ये पॉइंट आपको यहाँ से याद करना है उसके बाद में अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है तो ये रहेगा भाग नंबर नौ कई बार आपको रोमन संख्या देगा तो भाग नंबर नौ रहेगा पंचायतों से संबंधित वहीं पर भाग नंबर नौ ए की बात करते हैं तो नौ ए में लिखा है नगर पालिकाओं के बारे में ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है अगर पूछे आपसे भाग नंबर नौ संविधान में कब जोड़ा गया तो ये जोड़ा जाता है तिहत्तरवा संशोधन 1992 के द्वारा भाग नौ जोड़ा गया इसमें आर्टिकल्स की बात करें टू फोर थ्री टू टू फोर थ्री ओ। दो सौ तिर से लेकर दो सौ सो सोलह आर्टिकल्स बैठते हैं जो पंचायतों के बारे में प्रावधान करते हैं उसके अलावा आपसे और क्या क्वेश्चन पूछेगा संशोधन के माध्यम से ही संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ग्यारहवीं अनुसूची के अंदर कुल मिला के पंचायतों की शक्तियाँ हैं और इनके पास शक्तियाँ हैं उनतीस यानी कि ट्वेंटी नाइन ये भी आपको यहाँ से पॉइंट याद कर लेना है नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के अटोर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तो इस पॉइंट को इस क्वेश्चन को अपने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था दो क्वेश्चन वहां अपने को देखने को मिले थे तो हिंदी में कहा जाता है महान्यायवादी अटोर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है ये केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी केंद्र सरकार के प्रथम वकील या केंद्र सरकार के प्रथम कानूनी सलाहकार कहे जाते हैं महान्यायवादी तो केंद्र सरकार की तरफ से केस कौन लड़ता है ये अटोर्नी जनरल के द्वारा ही लड़ा जाता है और इनको तो प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो इनका नाम होता है सोलिसिटर जनरल वर्तमान में कौन है तुषार मेहता है वर्तमान में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता है ये आपको याद करना है और अटोर्नी जनरल की बात करें ये वर्तमान में कौन है ये आर वेकंट रमणी है आर वेकंट रमणी एजे की नियुक्ति कौन करता है हमने पद ब्रिटेन से लिया और इनकी नियुक्ति करना हो इनको शपथ दिलाना हो ये अपना त्याग पत्र सौंपेंगे सभी का रिजल्ट रहेगा राष्ट्रपति अटोर्नी जनरल की पारिश्रमिक किसके द्वारा तय किए जाते हैं ये भी करते हैं भारत के राष्ट्रपति और तो इनका जिक्र हमें कहाँ पर मिलता है आर्टिकल नंबर सेवेंटी सिक्स में मिलता है आपको याद करना है अगला पॉइंट है भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट हम कहाँ पढ़ेंगे सर सेंटर में पढ़ेंगे और सेंटर से संबंधित जो संविधान का भाग है वो भाग नंबर पाँच रहेगा क्योंकि भाग नंबर पांच में लिखा है संघ सरकार के बारे में संघ या फिर केंद्र सरकार के बारे में लिखा है आर्टिकल्स पढ़ते हम इसमें बावन से एक सौ इक्यावन तक हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं और इसी बीच में अगर बात करें तो संविधान के भाग पांच में आर्टिकल नंबर एक सौ चौबीस से एक तक की बात करें तो इसमें टोटली सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है तो वही आपसे पूछा है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होगी कैसे कैसे काम करेंगे इनके काम क्या होते हैं तो ये बात आर्टिकल नंबर वन ट्वेंटी फोर टू वन फोर्टी सेवन में मिलती है जो कि आर्टिकल नंबर फिफ्टी टू टू फिफ्टी वन फिफ्टी वन के बीच में आता है तो भाग नंबर पाँच में रहेगा ये सही है वहीं पर राज्य सरकार की बात करते हैं आप तो राज्य सरकार का जिक्र संविधान के भाग नंबर छः में मिलता है अपने को अगला पॉइंट है संविधान के भाग सिक्स में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों अधिकारों प्रक्रियाओं विशेष अधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है तो अगर भाग नंबर छः की बात करें इसमें आपसे राज्य विधानमंडल के बारे में पूछा है जिसके अंदर विधानसभा आती है विधान परिषद आती है तो उनका गठन कैसे होगा संरचना कैसे होती है कौन कितने मेंबर होते हैं अवधि टेनोर क्या होता है अधिकारियों के बारे में अधिकारों के बारे में प्रोसेस के बारे में स्पेशल राइट के बारे में और आवर्स के बारे में तो आर्टिकल नंबर वन सिक्स एट टू तो आर्टिकल नंबर टू वन टू के, के बीच में मेरे को देखने को मिलता है वहीं पर अगर संसद की बात करें तो संसद का जिक्र होता है संविधान के भाग नंबर पाँच में और आर्टिकल नंबर बात करें तो भाई इसमें सेवेंटी नाइन टू वन टवेंटी टू कमी संसद के बारे में पढ़ना होता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है अब शीर्षक की बात की जा रही है तो इसका अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि उपाधियों की बात की जा रही है भाई उपाधियों की बात की जा रही है और उन्मूलन का अर्थ बैठता है खत्म करना तो उपाधियों की समाप्ति उपाधियों को खत्म करना है ये संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है 18 कहता है कैसे पढ़ा पा रहे सर हम उपाधियां पढ़ रहे हैं ऐसे करके और आर्टिकल नंबर कौन सा है सर है ऐसे करके ये बनेगा 18 अगर इस 18 को बीच से ऐसे काटू मैं तो पीछे बैठता है तीन तीन यानी कि उपाधियां उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है 18 रहेगा पढ़ते कहाँ पर हम सर इसको पढ़ते हैं हम समता के अधिकार में या समानता के अधिकार में जो कि आर्टिकल नंबर फोर्टीन टू एटीन तक पढ़ा जाता है कुल मिला के इसमें पाँच आर्टिकल होते हैं चौदह में कानून के समक्ष समानता है पंद्रह में सामाजिक समानता है पाँच बेस है धर्म जाति लिंग वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा सोलह में है सरकारी नौकरी के बारे में सत्रह में है छुआछूत के अंत के बारे में अट्ठारह में है उपाधियों के अंत के बारे में सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है तो ये क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा टू थर्टी नाइन सब क्लोज टू अब भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं किसकी गवर्नर यानी कि राज्यपाल की, की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति साहब ये कह सकते हैं गवर्नर को कि आसपास में आपके जो यूटी पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है उसका भी प्रशासक आप ही बनेंगे आप ये संभालेंगे जैसे पंजाब राज्य है तो पंजाब के अंदर पंजाब का राज्यपाल होता है पंजाब का राज्यपाल है तो वो चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका प्रशासक के तौर पर भी काम करता है यानी कि पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है उसके प्रशासक के तौर पर भी काम करता है तो अधिकार उनको ये कहाँ से मिला है ये आर्टिकल नंबर टू थर्टी नाइन सब क्लोज टू देता है अनुच्छेद डैश से डैश राष्ट्रपति की योग्यता कार्यों और उनके कार्यकाल चुनाव पुनर्निर्वाचन की विधि और दूसरों के बीच महाभियोग को स्पष्ट करता है तो आर्टिकल नंबर बावन से लेकर बासठ तक राष्ट्रपति के बारे में है जैसे अगर आपको मैं आप बताऊं पढ़ के तो आर्टिकल नंबर बावन में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर फिफ्टी में लिखा है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ

साथ में सभी राज्यों और यूटी जहाँ पर विधानसभाएं हैं तो विधानसभा के जो निर्वाचित एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव होता ही है तो आर्टिकल पचपन की बात करें तो पचपन में है पद्धति यानी कि चुनाव में पद्धति कौन से इस्तेमाल की जाएगी तो उस पद्धति का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होगा ये चुनाव पद्धति है छप्पन में कार्यकाल है सत्तावन में बात करें तो पुनः निर्वाचन है अट्ठावन में इनकी क्वालिफिकेशन योग्यताएं हैं उनसठ में सेवा शर्तें हैं साठ में शपथ के बारे में है इकसठ में महाभियोग के बारे में है और बासठ में बात करें तो आकस्मिक रिक्ति होने पर कौन काम करेगा राष्ट्रपति के स्थान पर ये बात लिखी है तो सारे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए हैं आपको नोट करना है और अगर आपके पास में कोई बुक है तो इसमें से आप रीड कर सकते हैं ठीक है और साथ में अगर आप एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है वर्ल्ड अवेयरनेस यूट्यूब चैनल पर जिसमें पोलिटिक की आठ क्लासे कम्प्लीट हो चुकी है और उन आठ क्लासेस के अंदर हम करते क्या हैं हम पढ़ते हैं टॉपिक वाइज एम टॉपिक वाइज एम सी क्यूज कवर कर रहे हैं तो उसके में भी राष्ट्रपति का ही टॉपिक चल रहा है अभी वर्तमान में एक क्लास हो चुकी है उनकी दो क्लासें कम से कम और लेगी

आर्टिकल 19 में कुल मिला के कितने तरह की स्वतंत्रताएं विद्यमान थी साथ थी लेकिन 2023 की बात करें वर्तमान में सिर्फ छह ही टाइप की स्वतंत्रताएं हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 19 में अब इसके अंदर है क्या छह में पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार किसी भी संस्था और संगठन को बनाने का अधिकार देश में कहीं घूमने का अधिकार देश में कहीं बसने का अधिकार और साथ में देश में कहीं भी व्यापार आदि करने का अधिकार तो ये छह टाइप की स्वतंत्रता बनती है आर्टिकल नंबर नाइनटीन में ये आपको यहाँ से पढ़ना है साथ में प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है इंटरनेट का अधिकार है चुप रहने का अधिकार है ये सारे के सारे अधिकार भी अपने को आर्टिकल नंबर 19 में पढ़ने होते हैं और 19 से लेकर अगर 22 तक की बात करें तो ये एक टाइप का अधिकार बैठता है मौलिक अधिकार है जिसको कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार को यहां से याद करना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है तो राज्य सरकार का कार्य संचालन से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर वन सिक्स सिक्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको याद करना है राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान सकती है हमने पढ़ा था पहले कि आर्टिकल नंबर सेवेंटी टू के अकॉर्डिंग देश के राष्ट्रपति के पास में और आर्टिकल नंबर वन सिक्स वन के अकॉर्डिंग राज्य के राज्यपाल के पास में क्षमादान सकती है हालांकि राष्ट्रपति किस व्यक्ति के मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर सकता है ये पावर राज्यपाल के पास में नहीं होती है तो बेहतर और वन सिक्स वन को आपको कंपेयर करके पढ़ना है दोनों का डिफरेंस एटी नाइन आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लेख है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि हमारी धार्मिक आजादी तो हमने पढ़ा क्या पहले कि वर्तमान में जो छह मौलिक अधिकार हैं उसमें सर आपने बताया 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार है फिर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है फिर 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार है 25 से 28 की बात करें तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो वही आपसे पूछा है कि धर्म की आजादी कहाँ पर है पच्चीस से 28 के हैं तो उसके अलावा बात करें उनतीस और तीस में शैक्षणिक एंड सांस्कृतिक अधिकार है और आर्टिकल नंबर बत्तीस में बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो यहाँ पर ये बैठते हैं कुल मिला अपने पास में छह मौलिक अधिकार एक दो तीन चार पाँच और लोगे इसको अगला पॉइंट देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है इक्कीस ए प्रदान करता है इक्कीस ए प्रदान करेगा तो इसको कब जोड़ा गया इसको जोड़ा गया था छियासीवा संशोधन जो कि 2002 में हुआ था अच्छा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार तो बन जाता है लेकिन कौन से बच्चों को शामिल किया गया छह से लेकर चौदह वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इनका मौलिक अधिकार बनता है और शिक्षा के अधिकार को लेकर एक कानून बनता है भारत में जो कि 2009 में एक्ट बना था शिक्षा का अधिकार अधिनियम और इस एक्ट को बाद में जाके लागू किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में फर्स्ट ऑफ अप्रैल एक अप्रैल और 2010 को अगर पूछे शिक्षा किस सूची का विषय है शिक्षा आता है समवर्ती सूची का विषय यानी शिक्षा को लेकर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है ये आपको याद करना है अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग चार ए, ए अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध है तो मौलिक कर्तव्य हम कहाँ पढ़ते हैं टोटल ग्यारह मौलिक कर्तव्य हैं तो यहाँ पर क्या आएगा कि ग्यारह मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग चार ए के अनुच्छेद इक्यावन ए में सूचीबद्ध है और भाग कौन सा रहेगा पार्ट कौन सा रहेगा सर पार्ट रहेगा फोर ए फोर ए पार्ट रहेगा आर्टिकल इक्यावन ए रहेगा कुल मिला के ग्यारह मौलिक कर्तव्य हैं पहले 1950 में जीरो थे 1976 में दस जोड़े गए 2002 में ग्यारहवां जोड़ा गया इस प्रकार से वर्तमान में कितने हैं ग्यारह हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य संविधान में उन्नीस में और साथ में बात करें तो ये कंसेप्ट जो है तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से अपनाए हैं तो जवाब रहेगा सर रूस यानी कि रशिया या फिर यू भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में डैश लेख अनुच्छेद है कितने आर्टिकल से आपसे पूछा है तो समानता के अधिकार को लेकर पांच आर्टिकल है कैसे है हम पढ़ते हैं समानता के अधिकार को आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच पढ़ते हैं तो गिन के देख लो 14 15 16 17 और 18 कुल मिलाकर पांच आर्टिकल्स बनते हैं भारत के संविधान में किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की शक्तियां और कार्य हैं तो यूपीएससी की बात कहाँ पर की जाती है यूपीएससी हो एसपीएससी हो जेपीएससी हो इनकी बात कहां पर की जाती है भाग नंबर XIV यानी कि दस और चार चौदह भाग नंबर फोर्टीन में बात की जाती है भारत के संविधान के अनुच्छेद टू फोर्टी थ्री के अनुसार डैश का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद दो सौ त्रियालीस बी के तहत गठित स्वशासन की संस्था है तो हमने पहले पढ़ा है कि भाग नंबर नौ में आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री पंचायत से ही संबंधित है तो आपको पढ़ना है संगठन की बात की जाती है बी पॉइंट पढ़ रहे हैं आप ए में एक्चुअली बात करें तो ए में ग्राम सभा के बारे में है यहाँ पर गठन की बात की जाती है पॉइंट बी में गठन की बात की जाती है आपको पढ़ना है सी में फिर संरचना की बात है डी में फिर आरक्षण की बात आ जाती है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है मौलिक अधिकार हम कहाँ पढ़ते हैं भाग तीन में पढ़ते हैं जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं संविधान के भाग नंबर चार ए में मौलिक कर्तव्यों की मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार 1950 में बात करते हैं तो कुल मिला के सात थे 2023 की बात करते हैं तो अभी छः है एक को माइनस किया गया जिस माइनस किया गया उसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार ये पहले था आर्टिकल नंबर नाइनटीन क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ और आर्टिकल नंबर इकतीस में लेकिन होता क्या है चवालीसवा संशोधन होता है और ये होता है नाइनटीन एट में अठहत्तर में जिसके माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर थर्टी वन से निकाल कर पटक दिया गया कहाँ पर संविधान के भाग नंबर बारह में और आर्टिकल नंबर तीन सौ ए में यहाँ पर है वर्तमान में तो एक मौलिक अधिकार कम हो जाता है तो कुल मिला के मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में छः है दो तो आर्टिकल बीस और इक्कीस कभी सस्पेंड नहीं होते हैं पाँच आर्टिकल केवल भारतीयों के लिए हैं जिसमें आर्टिकल नंबर पंद्रह सोलह उन्नीस उनतीस और तीस शामिल होते हैं मौलिक अधिकार हमने अपनाए हैं यू के संविधान में यूएसए के संविधान में इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम जो विकास है वो ब्रिटेन में होता है 1215 में वहाँ के सम्राट के द्वारा अधिकार प्रदान किए गई मैग्ना कार्टा के द्वारा तो भारतीय संविधान के भाग नंबर तीन को भी संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये भी आपको यहाँ से नोट करना है सभाओं में ये परिवर्तनीय होते हैं यानी कि अगर हमसे कोई मौलिक अधिकार छेनेगा तो हम कोर्ट में जाकर उनको जबरदस्ती लागू करवा सकते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है तो राज्य की जो कार्यपालिका है उससे रिलेटेड है आर्टिकल नंबर वन फिफ्टी थ्री टू वन सिक्सटी सेवन आपको यहाँ से याद करना है जैसे ये तो राज्य की बात कर रहे हैं अगर आप केंद्र की बात करें केंद्र की, की कार्यपालिका कहाँ पर आती है तो इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर बावन से लेकर आर्टिकल नंबर सेवेंटी एट तक यहाँ पर संघ कार्यपालिका है संघ कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महान्यायवादी और सरकार ये शामिल होती है राज्य में राज्यपाल शामिल होता है महाधिवक्ता शामिल होता है राज्य की सरकार शामिल होती है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के बारे में आर्टिकल नंबर तीन सौ चौबीस है भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में असपरिचयता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख डैश में किया गया है आर्टिकल नंबर सेवनटीन में छुआछूत बोलो या फिर असपरिचयता बोलो दोनों का मतलब सेम बैठता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से के संरक्षण से संबंधित है तो जिन्हें के अधिकार को आर्टिकल नंबर इक्कीस में परिभाषित किया गया है आपको यहाँ से पढ़ना है और ये आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होता है तो नेवर सस्पेंड कभी सस्पेंड नहीं होता साथ में आपको और क्या पढ़ना है आपको एक बात ये भी पढ़नी है कि इसी के अंदर भोजन का अधिकार हुआ आवास का अधिकार है निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार है स्वच्छ जल का अधिकार है अपने मनपसंद के व्यक्ति के साथ में विवाह करने का अधिकार है पर्यावरण का संरक्षण का अधिकार है और वन्य जीव संरक्षण का अधिकार है तो ये सारे अधिकार आपके इक्कीस में आते हैं आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता है तो आर्टिकल बीस और इक्कीस को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल है कौन सा तीन सौ पंचानवे अभी वर्तमान में चार सौ पैंसठ है लेकिन इस टाइम पर तीन सौ पचानवे थे मूल पाठ की बात की जा रही है मतलब कि मूल संविधान की बात की जा रही है उन्नीस सौ पचास की बात की जा रही है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है आर्टिकल 371 करता है, करता है है स्पेशल प्रोविजंस की बात अगेन आ गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे किस से संबंधित है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद वन इसमें सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की सख्तियाँ हैं यानी कि अगर राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में कोई सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से लेगा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वन के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18 एटीन आप तो आर्टिकल नंबर 16 हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद दो के किस से संबंधित है पंचायतों के चुनाव से संबंधित है वहीं पर आओ की आई की बात करते हैं तो टू फोर्टी थ्री आई के अंदर क्या है इसमें है वित्त आयोग राज्य का वित्त आयोग वहीं पर चुनाव आयोग की बात करें तो के के अंदर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है वन थर्टी वन के तहत है इसके अंदर अपिलिट अधिकार है जब को याद करना है तो आज के इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे ऐसे करते करते हम इसको कंटिन्यू पूरा कर लेंगे तो रहिए हमारे साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें थैंक यू वेरी मच